हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 3 स्मार्टफोन के बारे में जो PUBG मोबाइल के लिए बेस्ट फ़ोन है अपने प्राइस रेंज में। दोस्तों मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि इस वीडियो में हम किसी और दर फीचर्स पर बात नहीं करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम ओनली फॉर परफॉर्मेंस की बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जो फ़ोन सजेस्ट करूँगा वो अपने प्राइस रेंज में एक बीस्ट फ़ोन है, क्योंकि दोस्तों मैंने बहुत सारे रिसर्च और टेस्ट के बाद इन फ़ोनों को सेलेक्ट किया है। और दोस्तों जो डिटेल मैं आपको देने वाला हूं वो आपको कोई और चैनल पर नहीं मिलेगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक देखो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ही इस वीडियो को लाइक करना। और अगर तुम लोग ऐसे ही टाइप के वीडियो देखना चाहते हो स्मार्टफोन रिलेटेड तो आप हमारे चैनल को चेक कर सकते हो। अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगे तो भी इसे सब्सक्राइब करना। वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि 10,000 के रेंज में कौन सा फ़ोन लेना चाहिए जिसमें आप PUBG मस्त हाई फ्रेम पर खेल सको। तो दोस्तों इस रेंज में हमने सेलेक्ट किया है Realme 3 Pro को। दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि इस फ़ोन में हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलता है। दोस्तों इस फ़ोन में 6.4 इंच का फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, और पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 403 PPI देखने को मिलता है, और साथ में गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन भी देखने को मिलता है। इस फोन में डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 16 मेगापिक्सल का मेन सेंसर और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर जो डुअल पिक्सल के साथ आता है। दोस्तों अगर आप डुअल पिक्सल के बारे में नहीं जानते हैं तो अगले वीडियो में हम डुअल पिक्सल के बारे में बात करेंगे जो बेस्ट बजट कैमरा फोन पर होगा। और गाइस इसके सेल्फी कैमरा की बात करें तो दोस्तों 25 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं इस फोन के मेन USP जो कि है प्रोसेसर जिस पर आप PUBG खेलोगे। दोस्तों इस फोन में आपको स्नैपड्रैगन 710 देखने को मिलता है जो कि एक काफ़ी पावरफुल CPU है, और इसके साथ मिलता है एंड्रीनो का 616 GPU जो कि इस प्रोसेसर को एक बीस्ट बनाता है। दोस्तों इस फोन में आप PUBG HD ग्राफिक्स पर हाई सेटिंग पर खेल सकते हो, लेकिन दोस्तों इस सेटिंग पर थोड़ा फ्रेम ड्रॉप होता है, वो आप वीडियो में देख सकते हो। लेकिन दोस्तों इस फोन में आप स्मूथ ग्राफिक्स पर अल्ट्रा सेटिंग पर खेल सकते हो, वो भी 40 FPS में, और हल्का सा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है, लेकिन दोस्तों गेम काफ़ी स्मूथ चलता है। दोस्तों प्रोसेसर की स्पेक्स की बात करें तो दोस्तों ये एक ऑक्टा कोर CPU है। गाइस इसमें 2 कोर 2.2 GHz कैरो 360 गोल्ड पर रन करता है, और 6 पावर एफिशिएंट कोर मिलता है जो कि 1.6 GHz कैरो 360 सिल्वर पर रन करता है। और दोस्तों इस फोन में आपको 4GB रैम और 64GB एक्सटर्नल स्टोरेज के साथ आता है। इस फोन के कुछ और भी वेरिएंट आते हैं। दोस्तों इस फोन में आपको 4000mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि वूक चार्ज 3.0 के सपोर्ट के साथ आता है। और दोस्तों अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो दोस्तों 5 घंटा तक आप लगातार PUBG को खेल सकते हो। दोस्तों ओवरऑल अगर बात करें तो दोस्तों ये फोन 10,000 की रेंज में एक बीस्ट है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। दोस्तों अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो तो आपको नीचे बेस्ट बाय लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन। दोस्तों नेक्स्ट फोन की बात करें तो दोस्तों ये फोन अंडर 13,000 के प्राइस रेंज में आता है, लेकिन दोस्तों ये फोन जो फीचर और वैल्यू प्रोवाइड करता है वो कमाल का है। दोस्तों ये फोन 13,999 में अभी Amazon पर लिस्टेड है, लेकिन दोस्तों आप इसको सेल में परचेस कर सकते हो 12,999 में। दोस्तों इस फोन की स्पेक्स की बात करें तो दोस्तों इस फोन में आपको मिलता है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले जो कि पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो दोस्तों 403 PPI के साथ आता है। और दोस्तों स्क्रीन सुपर एमोलेड होने के कारण काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है जब कोई भी गेम आप खेलते हो। इसके अलावा दोस्तों आपको इस फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जो कि मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलता है, और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों इस फोन में आपको 2 वेरियंट देखने को मिलता है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज और 6GB रैम 128GB स्टोरेज। दोस्तों इस फोन में आपको UFS 2.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है जिससे फोन काफ़ी फास्ट हो जाता है, और दोस्तों गेम लोडिंग भी काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको इस फोन की मेन USP जो कि 6000mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि एक बहुत ही मॉन्स्टर बैटरी है, और ये 15 वाट तक के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट के साथ आता है। दोस्तों बैटरी बैकअप की बात करें तो दोस्तों आप इसमें 7 घंटा तक लगातार PUBG को खेल सकते हो। अब दोस्तों इस फोन में मिलता है एक्सिनोस का 9611 जो कि आपको स्नैपड्रैगन 712 के लेवल का परफॉर्मेंस देता है। ये दोस्तों ओक्टा कोर CPU है, इसमें 4 हाई परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलता है जो कि 2.3 कॉर्टेक्स A73 पर रन करते हैं, और 4 एनर्जी एफिशिएंट कोर मिलता है जो कि 1.8 GHz कॉर्टेक्स 153 पर रन करता है, और इसका साथ देता है माली का G72 MP3 GPU जो कि आपको PUBG 60 FPS पर गेमिंग कराता है। दोस्तों इस फ़ोन में आप PUBG को HDR में अल्ट्रा सेटिंग पर खेल सकते हो, और दोस्तों इस सेटिंग पर आपको हल्का सा फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों बैटरी बैकअप की बात करें तो दोस्तों इस सेटिंग पर आपको 7 आवर्स की बैटरी बैकअप लगातार मिल जाएगी।
और अगर आप स्मूथ और एक्सट्रीम सेटिंग पर खेलते हो तो आपको 60 FPS एकदम कांस्टेंट रहता है। दोस्तों ये फ़ोन Redmi Note 8 Pro को भी टक्कर देता है जो कि 15,000 का है। ओवरऑल ये बेस्ट प्राइस परफॉर्मेंस रेशियो देता है। अगर आप इस फ़ोन को खरीदना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। सो दोस्तों नेक्स्ट फ़ोन की बात करें तो दोस्तों ये फ़ोन अंडर 15,000 प्राइस रेंज में आता है, लेकिन दोस्तों ये फ़ोन भी जो फीचर्स और वैल्यू प्रोवाइड करता है वो भी एक कमाल का है। दोस्तों इस फ़ोन की स्पेक्स की बात करें तो दोस्तों आपको इस फ़ोन में मिलता है 6.53 इंच का फुल HD IPS LCD डिस्प्ले। इसके अलावा दोस्तों आपको पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो दोस्तों 395 PPI के साथ आता है। दोस्तों ये स्क्रीन HDR को सपोर्ट करता है और फ्रंट और बैक पर गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। और इस फ़ोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का माइक्रो सेंसर देखने को मिलता है। इस फोन में आपको 4 वेरिएंट देखने को मिलता है, 6 GB रैम, 64 GB स्टोरेज, 6 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, 8 GB रैम, 128 GB स्टोरेज, 8 GB रैम, 256 GB स्टोरेज। इस फ़ोन में भी आपको UFS 2.1 का सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि फ़ोन को काफ़ी फास्ट बनाता है और गेम को भी काफ़ी जल्दी लोड करता है। दोस्तों इस फ़ोन में आपको 4500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जो कि 18 वाट तक के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट के साथ आता है। और अगर दोस्तों बैटरी बैकअप की बात करें तो दोस्तों आप 5 घंटा तक लगातार पबजी को खेल सकते हो। अब दोस्तों फ़ोन की CPU की बात करें तो दोस्तों इसमें मिलता है MediaTek का G90T जो स्नैपड्रैगन 712 को आसानी से बीट कर देता है। ये भी ओक्टा कोर CPU है और इसमें 2 हाई परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलते हैं जो कि 2.05 GHz कॉर्टेक्स A76 पे रन करते हैं और 6 एनर्जी एफिशिएंट कोर देखने को मिलता है जो कि 2.0 GHz कॉर्टेक्स A55 पर रन करता है। दोस्तों अगर GPU की बात करें तो दोस्तों आपको इसमें मिलता है माली का G76 MC4 जो कि दोस्तों आपको पबजी 60 FPS पर गेमिंग कराता है। दोस्तों इस फ़ोन में आप पबजी के अलावा फोर्टनाइट भी 60 FPS पर खेल सकते हो। तो दोस्तों इस फ़ोन में आप पबजी को HDR में अल्ट्रा सेटिंग पर खेल सकते हो और इस सेटिंग पर आपको हल्का फ्रेम ड्रॉप देखने को मिलता है। दोस्तों बैटरी बैकअप की बात करें तो दोस्तों ये सेटिंग पर 5 घंटे की बैटरी बैकअप देखने को मिलती है। और अगर आप स्मूथ और एक्सट्रीम सेटिंग पर खेलते हो तो दोस्तों आपको 60 FPS कॉन्स्टेंट रहता है, कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों इस फ़ोन की CPU की मल्टीटास्किंग भी काफ़ी ख़तरनाक वर्क करता है क्योंकि दोस्तों इसमें जो एनर्जी एफिशिएंट कोर मिलता है वो 2.0 GHz पे रन करते हैं जिसकी वजह से मल्टीटास्किंग मस्त होता है। ओवरऑल ये फ़ोन एक बीस्ट है और अगर आप इस फ़ोन को खरीदना चाहते हो तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेक कर सकते हो। ओवरऑल दोस्तों अगर आप मुझसे पूछे कि इनमें से कौन सा फ़ोन आपको बेस्ट लगा तो दोस्तों मेरा जवाब है सैमसंग गैलेक्सी M30s। दोस्तों इसकी 3 बड़ी रीज़न है, सबसे पहले कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले, दूसरी 6000 mAh की बैटरी बैकअप और दोस्तों इस फ़ोन का परफॉर्मेंस। तो दोस्तों आप हमें कमेंट में बताओ कि आपको कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा या फिर आपके हिसाब से इस प्राइस रेंज में कोई और फ़ोन बेस्ट है। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को चेक कर सकते हो। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।